हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और यहाँ पर हम नीट 2021 के जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, उसको देखिए। तो काफ़ी इजी हैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं। वहाँ पर हमने 51 से 60 तक करा दिए थे आपको। जो पेपर में है वो 51 से स्टार्ट होता है, वैसे हमने 1 to 10 आपको पीछे के उसमें करा दिए हैं। एक से यानी कि 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। 11th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane इज पेंटूइन। ठीक, तो देखिए टी हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल जाते हैं, डी लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 2-bromopentane का होगा, तो इसको कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो 2-bromopentane, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच, और सेकंड पर क्योंकि वन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ ये Br लगा दीजिए। और क्वेश्चन क्या है कि यो यहाँ पे पेंटूइन बना है वो किस रूल पे बेस्ड है, होफमैन पे है या हकल्स रूल पे है, सेडजेप पे है या उनस रूल पे है। ठीक है, तो इस टाइप से अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। 3 है, यहाँ पर एक एच आएगा, यहाँ 2 एच आएंगे, यहाँ 2 और यहाँ, ये वैलेंसी पूरी कर दी हमने। ठीक है, पेंट टू इन पेंट, ये 2-bromopentane हो गया, 2-bromopentane। अब इसका क्या होता है, एल्कोहलिक KOH लेते हैं यहाँ पे हम। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, एलिमिनेशन, और इसको हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। अब अल्फा बीटा है क्या, ये Br जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो होता है अल्फा, ठीक, यानी ग्रुप जिस कार्बन पर हो, और इससे अगला जो है ये होता है आपका बीटा, और इससे इससे एडजेसेंट ये भी है तो ये भी बीटा हो गया, यानी दो बीटा पोजीशन है, दो बीटा कार्बन है, एक तो ये भी है और ये भी है। ठीक है, इसके एडजेसेंट वाला, और इससे अगला होगा गामा, ये बीटा गामा डेल्टा इस टाइप से होते हैं। ठीक, तो यहाँ से अल्फा से तो निकलता है हेलोजन Br निकलेगा, और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। अब दो बीटा पोजीशन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, दो बीटा पोजीशन है लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगर सेम होते तो कहीं से भी निकाल देते आप हाइड्रोजन। ठीक, तो इसमें जब दो बीटा पोजीशन होती हैं तो कौन सा रूल लगता है यहाँ पे, सेडजेफ रूल, कौन सा लगेगा, सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल, जो क्या कहता है कि मोस्ट स्टेबल एल्किन्स यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल। तो यहां एल्किन तो बनना है, और जहां से हाइड्रोजन निकलने पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बने वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और वहीं से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां देखिए एक ट्रिक लगाइए कि जहां कम हाइड्रोजन हो, जिस बीटा पोजीशन पर कम हाइड्रोजन हो वहां से निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा आपका, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, CH3CH2, और यहाँ ये CH रह गया, देखिए इससे निकलेगा तो एक H निकल गया, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड, जब ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और Br निकल जाएगा यहाँ से CH, ये Br निकल चुका है, और ये क्या हो गया CH3, तो इसका हो गया पेंट टू इन, तो 1, 2, 3, 4, 5 पेंट टू इन। और क्वेश्चन में भी क्या कहा जा रहा है कि आपका क्या है, जो 2-bromopentane का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, पेंट टू इन है। ठीक है, ये क्लियर है, पेंट टू इन। अब ये मेजर है, मेजर, इसका माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, माइनर प्रोडक्ट मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन निकालिए इस बीटा पोजीशन से, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड,
तो ये आया, ये हो गया आपका माइनर माइनर, और ये हो गया क्या मेजर। अब ये देखिए सब्स्टिट्यूशन के बेस पे कौन स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड पे कुल कितने हाइड्रोजन है, यहाँ एक और एक दो हाइड्रोजन है, होने कितने चाहिए थे चार। जैसे यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि एक भी इसमें हाइड्रोजन ये इसमें हटाया नहीं है। एथीन जो होता है, एथीन जो है वो क्या है आपका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दो दो चार हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम एक भी हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा, जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ हमने CH, ये CH हो गया, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ कितने थे दो हाइड्रोजन थे, यहाँ एक हाइड्रोजन रह गया, तो एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 को लगा दिया, तो यहाँ कितना हुआ वन सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इसी टाइप से जितने हाइड्रोजन आप हटाएंगे और कुछ और लगाएंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। और जितने अब देखिए ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, हाइपर कंजुगेशन से बताएंगे आपको हम, ठीक है, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये ज़्यादा स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है, इसके अल्फा हाइड्रोजन जो हैं ये यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, यानी जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, तो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें देखिए जरा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पर, दो हैं, दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब होने कितने चाहिए थे अनसब्स्टिट्यूटेड में चार, तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूशन हुए, दो सब्स्टिट्यूशन है, एक और एक दो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक। दो ही हाइड्रोजन बचे, तो एक तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मिथाइल को लगाया गया है हाइड्रोजन हटा के, और एक ये इथाइल को लगाया गया है हाइड्रोजन हटा के, तो कितने सब्स्टिट्यूशन हुए, दो सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब इसको देखते हैं माइनर वाले को, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड पर दो और एक तीन हाइड्रोजन है, कितने हैं तीन हाइड्रोजन है, होने कितने चाहिए थे चार, तो सब्स्टिट्यूशन कितने का हुआ एक का, और किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये जो पूरा ग्रुप है ये लगाया गया है, तो यहाँ कितना है वन सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो दो सब्स्टिट्यूट, जो सर्जेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर फॉर्म्ड दैट आर मोर स्टेबल, ठीक। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन क्या है, दो सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, तो ये ज़्यादा ये मेजर होगा, ये सर्जेफ रूल है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हाफमैन रूल्स, हकल्स रूल, सर्जेफ रूल, ठीक, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मेटल डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, तो वो किस में होगा, पहले तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन सी हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया है, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, इसमें ये PbNO3 है कहुल ट्वाइस 2PbO, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये गलत हो गया, टूटा है, ये हीट करने पे ब्रेक हुआ है। 2KClO3 भी ब्रेक हुआ है, 2KCl+3O2 में, ये भी डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिकम्पोजिशन है, ये भी डिकम्पोजिशन है। अब दो बची, ये और ये, इसमें से देखते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया है, और हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन क्या होता है नॉन मेटल की तरह होता है, Fe ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। अब देखिए इसको, एल्यूमिनियम मेटल है, क्रोमियम भी मेटल है, तो एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ मेटल डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है मेटल डिस्प्लेस हो रही है, तो ये आपका सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ सही होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और अभी लेटेस्ट ही है, लास्ट जो ये 2021 का हुआ है नीट का, उसमें विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए CP यानी कि हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये निकालना है। तो देखिए ये जो होता है CP हमेशा ज़्यादा होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है 1°C टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा होती है किस पे, जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दी जाती है। तो इसका CP-CV=R, ये ऑप्शन आपका सही है, CP-CV=R। RBC डेफिशिएंसी इज
किसकी वजह से होती है? आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन में आरबीसी कम हो जाती है, तो इसे परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं इसको। देख सकते हैं थोड़ा सा आप यहाँ पे, ये विटामिन ए जो है रेटिनल होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैलमिया इससे हो जाता है। ठीक, गाजर वगैरह खाने से ये जो है विटामिन, हरी सब्जियाँ गाजर से विटामिन ए की पूर्ति होती है। विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, वाटर सोल्यूबल है, बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं ये पता ही है आपको। तो ये बी हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक, हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट नर्व्स, और ये जो है इसमें एपेटाइट यानी भूख लगना जो है वो इसके द्वारा होता है B1। ठीक, इसके अलावा और देखिए आप, B2 है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको, वाटर सोल्यूबल है ये भी, और इसकी कमी से जो होता है वो क्रैकिंग ऑफ स्किन, लिप्स, कॉर्नर्स ऑफ माउथ, ठीक, तो इस टाइप से जो होंठ फटने लगते हैं वो राइबोफ्लेविन यानी B2 की कमी से होता है। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, विटामिन जो B6 है वो पाइरिडॉक्सिन होता है। ठीक, और ये सोर्सेज हैं इसके, ग्राम्स यीस्ट, वाटर सोल्यूबल होता है, डेफिशिएंसी डर्मेटाइटिस कल्वंजस, ठीक है, और ये एनीमिया, लेकिन मेन जो एनीमिया माना जाता है परनीशियस एनीमिया वो विटामिन B12 से माना जाता है। ठीक, तो B12 विटामिन B12 है ये, यहाँ गलत लग गया है, इसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल है, और आरबीसी डेफिशिएंसी जो होती है इसी से होती है, और इनफ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड, ब्लड को बनाने के लिए ये बॉडी में ब्लड होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। तो ये जो है यहाँ पे आरबीसी डेफिशिएंसी किसके द्वारा होती है? विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, कोबाल्ट भी होता है इसमें, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन? एडिशन जो है, देखिए नोबेल एक जो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, यहाँ भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डैक्रोन ये भी वही है कंडेंसेशन पॉलीमर जिनमें कुछ मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, नायलॉन 6,6 भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक, और टेफ्लॉन जो है वो है आपका सही। एडिशन का मतलब कुछ भी उसमें ना निकले, सब जुड़ता चला जाए, जैसे देखते हैं इसमें टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये टेट्रा फ्लोरोएथीन है, मोनोमर है, इसके N नंबर लिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया। ठीक, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कराया यहाँ पे, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये N लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारे हम जुड़ते चले जाते हैं ये, तो लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक, बहुत लाखों मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाते हैं, CF2 इस टाइप से, जबकि यहाँ ये अलग अलग होते हैं, तो इसे कहते हैं ये होता है टेट्राफ्लोरोएथीन, और ये होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, और इसे ही टेफ्लॉन कहा जाता है। ये टेफ्लॉन है, ये क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है। ठीक, तो इससे ये एडिशन पॉलीमर है, यहाँ पे ये क्या है, एडिशन पॉलीमर, तो इसको देखिए टेफ्लॉन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 78% क्या है, कार्बन है, और 22% क्या हो गई इसमें, हाइड्रोजन हो गई, तो देखते हैं इसको क्या होगा, ये इसका 78% इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 78 कार्बन कितना है, 78%, और हाइड्रोजन कितना बचा, रेस्ट बता रहा है ये 22 इसमें क्वेश्चन में, तो ये हो गया 78 और 22, 100 हो गया ना पूरा। अब क्या होगा आगे देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का है 1, तो अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटोमिक वेट 22/1। ठीक, ये हो गया परसेंटेज। तो ये जो निकल के आता है 6.5 और ये 22। ठीक, यहाँ पर रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स का रेशियो देखिए, रेशियो ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो स्मॉल डिजिट है उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों को। 6.5 डिवाइड बाई 6.5 यहाँ हो जाएगा आपका 22 डिवाइड बाई 6.5, दोनों से करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आता है 3.38 लगभग, 3.38। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उससे भी लगभग हम मैच करेंगे। तो कार्बन का जो है कितना आ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो कार्बन 1 है यहाँ, हाइड्रोजन में कुछ पॉइंट में आ रहा है। तो देखते हैं कार्बन अगर एक ही है तो मल्टीप्लाई नहीं किया इन्होंने, अगर इसको हम होल नंबर बनाए पूरा तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं फिर उसी हिसाब से इसमें जितना मल्टीप्लाई होगा उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो अब कार्बन अगर ज़्यादा है तो ऑप्शन में फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए कितना है यहाँ पर, CH3 एक ही कार्बन है, CH4 एक ही कार्बन है, CH एक ही कार्बन है, CH2 एक ही कार्बन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई इन्होंने नहीं किया है। इसको इन्होंने क्या किया है, इसको कार्बन एक ही है तो इसको 3 मान लिया है, 4 तो कर नहीं सकते इसको, तो इसको जो है नेग्लिजिबल करके CH3 हो जाएगा ये। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एथीन, लीस्ट स्टेबल जो सबसे कम स्टेबल हो, तो एक तो होता है एक्लिप्स, एक होता है स्टेगर्ड। एथीन का आप जानते हो कि ये आप ऐसे बनाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, फ्रंट कार्बन बना दीजिए आप इसका, जैसे बैक कार्बन है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, फ्रंट कार्बन पर क्या होगा, फ्रंट पे बना दीजिए, बैक कार्बन पर हाइड्रोजन हो गया एथीन। ठीक, और इस पे आप इसी टाइप से, ये फ्रंट है तो ये बैक वाले दब जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिखाने पड़ेंगे एच। ठीक, और ये क्या हो जाएगा यहाँ एच। तो देखिए इनके बीच में जो एंगल होता है ये लीस्ट स्टेबल है, यानी कि रिपल्शन ज़्यादा होता है इसमें, रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये इस टाइप से अगर आप बनाएं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये क्या है आपका सोहर्स प्रोजेक्शन है, सोहर्स प्रोजेक्शन है। तो इस कार्बन पे जो होगा वो, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दोनों क्या होंगे, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप ये समझिए कि दो हैं हाइड्रोजन, तो दो कार्बनों पर दो हाइड्रोजन इस टाइप से हैं, तो क्या हो गया, बिल्कुल क्या है ये, पैरेलल हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ऐसे चिपटे होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो पास पास हैं, रिपल्शन होगा इसमें। ठीक, तो रिपल्शन से क्या होता है, ये होती है कंडीशन एक्लिप्स, क्या होती है एक्लिप्स, टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा होता है। तो ये एंगल क्या हुआ इनमें, एंगल हुआ 0 का। अगर जैसे जैसे इस हाइड्रोजन को हम इस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इस टाइप से हटाते चले जाएंगे, स्टेबिलिटी आती चली जाती है, क्या वो चली जाती है, स्टेबिलिटी, ऐसे देखिए। ठीक, तो वो स्टेगर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स में एंगल जो होगा इसके और इसके बीच 0 होगा, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा एक्लिप्स फॉर्म, ये आपका 0 हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, मैचिंग का देखो बहुत आसान कहा है, बहुत ही आसान है भाई ये। तो देखो PCl5 SF6 BrF5 BF3। तो PCl5 क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका जो है वो ट्राइगोनल क्या होता है, बाईपिरामिडल होता है। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। तो ये तो इसका ये हो गया,
SF6 ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल SF6 क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, यानी बी का थर्ड हो गया। और BF3 ट्राइगोनल प्लेनर ये हो गया, और BRF5 स्क्वायर पिरामिडल ये हो गया। तो अब मैच करते हैं PCL5 का फोर्थ, A का फोर ये दोनों हैं, B का थर्ड ऑक्टाहेड्रल ये भी दोनों में सेम है, थर्ड। C का सेकंड किस में आ रहा है, इसमें, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। और D का वन, ठीक, तो इसको बना लोगे आप, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर ये आप दो तीन भी आपको पता चल जाते हैं तो फिर सारा आप लगा देंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये O2 है, यानी कि C6H5COO और इस टाइप से है, ये है परोक्साइड, है बेंजोइल परोक्साइड है ये। और परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, बेंजोइल परोक्साइड देखिए क्या होता है, C6H5COO और यहाँ C डबल बॉन्ड O C6H5 यही तो है, O2 ये हो गया, ये बेंजोइल परोक्साइड है, परोक्साइड बॉन्ड होता है इसमें, परोक्साइड बॉन्ड होता है। और परोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी इसकी। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ ये, और HBr है, यानी एल्किन पे हाइड्रोजन हैलाइड का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये मार्कोनिकोप से तो होगा नहीं परोक्साइड के प्रेजेंस में, अगर परोक्साइड ना होता तो मार्कोनिकोप रूल लगता है, तो फिर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, परोक्साइड इफेक्ट, या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। खरास का मतलब ये नहीं है कि खरास आने लगी, ठीक, ये खरास इफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये खरास साइंटिस्ट के लिए यूज़ किया गया है, नेम है उनका, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एडिशन होगा HBr का, लेकिन कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और ब्रोमीन कहाँ जाएगा। तो परोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, यानी अगर मार्कोनिकोफ रूल लगता तो जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन जाता, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ जाता, लेकिन अब उल्टा है तो हाइड्रोजन जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, यानी ये जो जाएगा ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक। तो अब उसमें देख लीजिए कहाँ किस कौन सा बन रहा है, CH3CH CH Br, ये भी नहीं है, यहाँ CH के पास Br जोड़ा गया है, ये गलत है। यहाँ देखिए ये यहाँ पर Br यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा दिया है इन्होंने हाइड्रोजन हटा के, ये भी गलत है। इसको देखिए ये सही है, CH2 पर कौन जुड़ा है, CH2 पर हाइड्रोजन, CH हो गया, CH था यहाँ, CH2 हो गया है, फिर यहाँ CH2 के पास कौन जुड़ा है, ब्रोमीन, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर जैसे मरकरी है होती है, जिंक जो है वो लिक्विड तो नहीं है लेकिन थोड़े से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो मेल्ट हो जाती है, ठीक। तो मरकरी है, जिंक है, इनका किससे करते हैं, डिस्टिलेशन से, इनको जो प्योर करते हैं वो डिस्टिलेशन से करते हैं, ठीक। जो इम्प्योरिटी, ये जो मेटल है जल्दी इवेपोरेट हो जाती हैं, मरकरी को अगर इम्प्योरिटी है उसमें तो इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मेटल जो है उसका कम होगा, तो वो एवोपरेट होके उसको कहीं ले जाके ठंडा कर लेते हैं, पहले भाप बना लेते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है इनका, तो वेपराइज करके इन मेटल्स को, जैसे वाटर होता है ना, वाटर में जो सॉल्ट घुले होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो सॉल्ट सॉल्ट तो नीचे रह जाएगा अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो, और वाटर की वेपर को ले जाके प्योर जो वाटर होगा कहीं पर ठंडा कर लेते हैं,
किसी वेसल में और वो प्योर हमें डिस्टिल वाटर मिल जाता है। इसी टाइप से ये है डिस्टिलेशन की प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है तो बच्चों ये समझ में आ गए होंगे आपके, इतने क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक इजी हैं। और भी क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।